वेलकम बैक टू चैनल गाइस, दिस इज द होस्ट प्रतीक एंड आप देख रहे हैं मोटर स्टेशन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है गाइस हमारी एसेंट के अलॉय व्हील्स और टायर्स के ऊपर। तो जैसे कि सबको पता ही है कि जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें पूरी एसेंट हमने रिवील करी थी कि कैसे तैयार हुई है, उस पर हमने अलॉय और टायर्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा, प्लीज पहले उस वीडियो को जाके देखिए, जब इस वीडियो पे आइए तो आपको ये ज्यादा रिलेटेबल लगेगी। तो उस वीडियो में क्या था कि एसेंट के बारे में हमने टायर और अलॉय के बारे में कुछ भी डिटेल नहीं बताई थी। तो गाइस आज की जो वीडियो है हमारे टायर और अलॉय के ऊपर ही है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो हमारे अलॉय व्हील्स और टायर्स हैं वो है हमारे सेकंड हैंड मायापुरी से। अब मुझे कम से कम 2,500 किलोमीटर मैंने चला लिए हैं दोनों चीजें, तो मुझे क्या प्रॉब्लम फेस आ रही है चलो वो आपसे मैं डिस्कस करता हूँ गाड़ी से बाहर निकल के। पहले आपको टायर्स दिखा देता हूँ कि अलॉय बेसिकली डिजाइन कैसा है, टायर साइज क्या है और चारों टायर कौन कौन सी कंपनी के, फिर आपसे बात करेंगे कि क्या प्रोज है क्या कौन से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गई जो हमारे अलॉय व्हील्स का लुक है वो है कुछ इस तरीके से, जैसे आप सबको दिख रहा होगा ये BBS के जो रिम्स आते हैं उसके रेप्लिका हैं इसमें। और ये स्टिकर जो है इसमें वोजन का लगा हुआ है कैप पे, ये हम कोई भी लगा सकते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये डिपेंड करता है, कोई भी स्टिकर होता है कोई भी उतार के कोई भी कंपनी का लगा सकते हैं हम। जो ओरिजिनल ब्रांडेड अलॉयज होते हैं उनमें हमारे रिम के ऊपर एनफोर्स्ड, जैसे कि ये है इसमें एनफोर्स्ड है कि क्या कौन सी ब्रांड है, मैंने तो कभी सुना नहीं। MTW ये वही ताइवान वाले कोई अलॉय व्हील्स वगैरह होंगे। अलॉय व्हील्स हैं हमारे 15 इंचेस के, एंड देन जो इसमें हमने टायर में लगवा रखा है वो 195/50R15। थोड़ा सा रेयर साइज़ है, मुझे भी नहीं पता था, जब मैं इसको लेने गया तब मुझे पता लगा कि मुझे काफ़ी दुकानों पर ढूंढना पड़ा। 195/55R15 बहुत ईजिली अवेलेबल हो रहा था, लेकिन 195/50R15 बहुत ही मुश्किल से अवेलेबल हुआ। तो ये टायर हमारा कुमहो का, कुमहो आप सबको पता ही है हुंडई का OEM सप्लायर है। अब जो हुंडई की जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं उनमें कुमहो के टायर्स आ रहे हैं। देन और जैसे कि टायर की गुड्डी आप देख सकते हैं काफ़ी ही सही है, लेकिन इस टायर ये जो टायर का डिज़ाइन है इसमें अलॉय हमारा बाहर है और टायर हमारा अंदर है। अब आपको एक और चीज़ अभी पता लगेगी जो कि मुझे भी अभी पता लगी, आप देख सकते हैं 195/50R15 सेम टायर है, चारों साइज सेम है, लेकिन कोई टायर स्ट्रेच्ड है और कोई टायर हमारा फ्लैट है बिल्कुल अलॉय के एकदम बराबर है इक्वल में। तो अलॉय की व्हील कुछ लुक इस तरीके से है, पहला टायर, दूसरा टायर हमारा आ गया ये है 195/50R15 सेम ब्रांड है। एंड देन ये हमारा जो ब्रांड है ये दिख नहीं रहा होगा, ये है वेस्ट लेक और चाइनीज या केंडा टाइप जैसे ब्रांड्स आते हैं उनको आप कह सकते हैं, उस टाइप का ये ब्रांड है। इसकी भी गुड्डी काफ़ी ज़्यादा सही है, पंचर चारों में से एक भी टायर नहीं था। ये इसमें देख सकते हैं इसमें भी अलॉय बाहर है और टायर अंदर है, ये हमारा होगा दूसरा टायर। देन अब मैं बात करूँ तीसरे टायर की, जो कि दिखने में सबसे ज़्यादा शानदार लगता है वो है हमारा ये टायर। ये हमारा टायर स्ट्रेच्ड, आप देख सकते हैं टायर कैसा है, टायर में एक लिप है जो अलॉय के ऊपर प्रॉपर कवर कर चुका है। ये टायर हमारा डनलप का, साइज़ आप देख सकते हैं 195/50R15। अब इसमें क्या है, वो हमारा टायर जो था वो अलॉय से अंदर था, ये हमारे अलॉय का टायर का लिप बाहर है, अलॉय टायर जो चौड़ा कम है, ये टायर स्ट्रेच्ड है ऐसे स्लैंट कर्व आप देख सकते हैं। तो ये है तीसरा टायर। चौथा टायर जो हमारा है ये मेरा पर्सनली फेवरेट है, वो है ये नेक्सन का टायर, आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट फिटिंग है, एकदम 00 अलॉय, हल्का संदर टायर थोड़ा सा बाहर, साइज 195/50R15, ब्रांड है नेक्सन, गुड्डी आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है, चारों टायर में एक भी पंचर नहीं है। तो गाइस अब वीडियो देख के, वीडियो में आपने देखा होगा कि चारों टायर्स की क्या कंडीशन है, अलॉय व्हील्स की क्या कंडीशन है, दो टायर एकदम सेम है और डिजाइन में कंपनी चारों का डिफरेंट है, डनलप नेक्सन वेस्टलेक कुमहो। टायर्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई पंचर नहीं, कोई बबलिंग नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, अलॉय व्हील सुपर्ब, फिटिंग में कोई दिक्कत नहीं, मल्टी होल है जिसकी वजह से जो और भी कोई जो दूसरी PCD की गाड़ी होती है जिनमें 4 होल होते हैं उनमें भी लग सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ है, प्राइस में बताया था, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं, इस वजह से दुकान का मैं कोई जिक्र नहीं करने वाला, लेकिन हाँ टायर्स में एक इशू आ रहा है
जिसकी वजह से जहां से मैंने टायर लाए थे उसकी नेगेटिव मार्केटिंग करने का मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन हाँ अलॉय जहां से मैं लाया था उसकी मैं वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि उस बंदे ने जेन्युइनली बहुत अच्छे अलॉय मुझे दिए, क्योंकि मेरे को कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही, लीकेज नहीं, बबलिंग नहीं, कुछ नहीं। अब टायर अलॉय जैसे आया था, उसका नाम तो नहीं मुझे याद, मैं अभी कुछ दिन में जाकर उसकी प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा दुकान की, क्योंकि आई रियली इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क एंड प्रोडक्ट। अब उस बंदे का नेचर भी बहुत ज्यादा अच्छा था। अलॉय व्हील्स की बात करें तो उसने मुझे रेट बताए थे खाली अलॉय व्हील के 21,000 रुपए, और लेकिन हमारी जो फाइनल सेटलमेंट होती वो होती 15,000 रुपए, तो अलॉय व्हील्स हमारे 15,000 रुपीज के। देन अगर हम बात करें टायर्स की, तो एक टायर हमको पड़ा था ये 1500-1600 के अराउंड, 6,500-6,000 के समथिंग हमने पैसे दिए थे चारों टायरों के। टायर अलग दुकान से लिए हैं, अलॉय अलग दुकान से लिए हैं, क्योंकि जो टायर साइज हमको चाहिए था 195/50R15 ये हमको कहीं भी अवेलेबल नहीं हो रहा था। और मेरे को उस बंदे का नाम वाम भी मुझे कोई मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं है उसको डिफेम करने का बस। हाँ लेकिन आप भी अवेयर रहिए, मेरे को भी रिकमेंड करा था मेरे फादर साहब ने, कि वो इस लाइन में वैसे सबको पता ही है, बाकी वीडियोस बाकी चैनल पर आपने देखी होंगी, 20-25 ईयर्स हो गए उनको इस प्रोफेशन में। उन्होंने मुझे बोला था कि आप नए टायर ही इंस्टॉल करना, लेकिन मुझको ये था कि एक बार एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि मेरे बहुत लोग हैं जिन्होंने बोला है कि जनरली कोई दिक्कत नहीं आती सेकेंड हैंड टायर्स में, तो मेरे को यह था ठीक है कोई नहीं, जो अगर हम इसको अब नए टायर इंस्टॉल कराएंगे कुछ टाइम बाद तो इनको हम रिटर्न कर देंगे, तो उतने पैसे हम वापस हमारे मिल जाएंगे, वो कोई इशू भी नहीं है। अब टायर्स में हमारी क्या इशू आ रहा है, टायर्स जो है ना गाड़ी 50 तक सही चलती है, 50-60 के ऊपर लहर मारती गाड़ी, और कम स्पीड पे भी मारती है, लहर मारती जो खाली टायर के वजह से। शॉकर गाड़ी के परफेक्टली फाइन है, हर चीज गाड़ी की A to Z टिच है, मैकेनिकली गाड़ी पूरी साउंड है, खाली जो प्रॉब्लम आ रही है वो टायर्स में है, पुराने टायर्स में ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गाड़ी ज्यादातर टायर्स में होती है, नहीं कह रहा हर टायर में होती है, गाड़ी लहर मारती है, और वो मैं आपको बता नहीं सकता, अगर कोई अनाड़ी गाड़ी चलाएगा तो शायद उसको दिक्कत भी होगी चलाने में, लेकिन मेरे को इतना टाइम हो गया तो मेरे को तो यूज टू हो चुका हूँ, लेकिन हाँ एक जो ड्राइविंग कॉन्फिडेंस की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लैग होता है। तो अभी उस चीज को लेके हम अब एक जो फर्दर टायर जब चेंज कराएंगे उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, मैं कोशिश करूंगा जैसे आपने नेक्स्ट जन वाला टायर देखा लास्ट में जो मेरा पीछे राइट में लगा हुआ है वैसे टायर मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं चाहता वही हूँ, क्योंकि उसमें टायर जो है थोड़ा भरा भरा लगता है अलॉय, जो हमारा व्हील आर्क है उसके अंदर डिस्टेंस लगता है कम और लुक बहुत ही अच्छी निकल के आती है, दिखने में लगता है वो टायर सबसे बड़ा, लेकिन और आगे टायर लगते हैं छोटे। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं फोटोज देख के इंस्टाग्राम पे कि भाई आप टायर छोटे लग रहे हैं, अलॉय छोटे लग रहे हैं, भाई आप गाड़ी रियल में देखोगे आप नहीं कह सकते अलॉय छोटे लग रहे हैं गाड़ी में, वो खाली टायर का झोल है थोड़ा सा। तो जो वीडियो जैसी भी लगी हो लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, और